हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर, जहाँ कि हम आज जो है न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के। न्यूक्लियर फिजिक्स की थ्योरी जो है वो मैंने और फॉर्मूलेज जो थे वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी हम आज की इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो हम हमारे न्यूमेरिकल्स को डिफरेंट टॉपिक्स में बांट दिया है। सबसे पहला जो है वो है कंपोजिशन एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस पर, ठीक है। दूसरा हम करेंगे मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन पर, ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड न्यूक्लियर रिएक्शन पर। और थर्ड होगा रेडियो एक्टिविटी पर। तो हम लोग सबसे पहले आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस के न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो हम मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन पर बना लेंगे, और फिर थर्ड हम रेडियो एक्टिविटी पर बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना ज़्यादा टाइम लिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए थोड़ा, ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189। तो हमारे पास जो है न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर इतना है, एंड इट स्प्लिट्स इंटू टू न्यूक्लियाई हैविंग द मास नंबर। तो ये दो न्यूक्लियाई में बढ़ जाता है जिसका मास नंबर इतना है और इतना है, ठीक है। सो इट लेट्स कॉल इट एज ए वन एंड लेट्स कॉल इट एज ए टू, ठीक है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई रिस्पेक्टिवली। तो हमसे रेडियस का रेशियो पूछ रहे हैं दोनों डॉटर का, ठीक है, इस वाली डॉटर का और इस वाली डॉटर का। चलो बताता हूँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो एटॉमिक नंबर था, तो दो डॉटर बनती हैं, एक एक डॉटर का है A1 और दूसरा डॉटर का है A2, ठीक है। सो 189 जो है मास नंबर दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो पहले वाले का जो होता है वो है 125 और दूसरे वाले का है 64, ठीक है। तो ये फर्स्ट डॉटर का एटॉमिक मास है, और मतलब मास नंबर है, और ये सेकेंड डॉटर का डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जानते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियर रेडियस, विच इज़ इक्वल टू होता है A1/2, याद होगा आपको। सो R1/R2 क्या होगा, सो R1/R2 हो जाएगा A1/A2, 1/3 होता है, 1/3, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वैल्यूज पुट करने वाले हैं, लेट्स प्लग द वैल्यूज। तो ये है 125 और ये दिया है हमको 64, ठीक है। ये हो गया 1/3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3/4 की पावर 3, 1/3, तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर है। सो लेट्स चेक कि आंसर किससे मैच कर रहा है। सो 5/4, दैट मीन्स बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बी से मैच कर रहा है। बच्चों इसे नोट कर लीजिए जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इफ द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज टेकन टू बी दिस मच, देन द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज नियरली। देखिए बताता हूँ क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर इसका रेडियस इतना है तो इसका रेडियस कितना होगा। लेट्स डू। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आर इक्वल टू होता है R0 a की पावर 1/3, ठीक है। तो ए एल जो है
इसका रेडियस हो जाएगा आर नॉट, मास नंबर है 27। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3r0। ठीक है, ए एल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगर हम देखते हैं टी ई, इसका रेडियस कितना होगा, 125 वन बाय थ्री। तो ये हमारा हो रहा है आर नॉट 5। अब मैं आर नॉट की वैल्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आर ए एल 5/3। ठीक है, सो आर ए एल 5/3, सो यू कैन सी दैट योर राइट आंसर इज दिस वन। ठीक है, ओके। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें उसका सॉल्यूशन, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला है, ठीक है, द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ दिस इज 3.6 फर्मी, द अप्रॉक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 64 AU इन फर्मी इज। तो हमसे ये बोल रहे हैं कि इसका अप्रॉक्सीमेट रेडियस कितना होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो अगर मैं देखूँ AL के लिए, है ना, रेडियस ऑफ AL, सो इट इज़ गोइंग टू बी आर नॉट 27 वन बाय थ्री। ठीक है, और ये हमें जो दिया है इट इज़ गिवन 3.6। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आर नॉट 3 = 3.6, सो आर नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा 1.2। ठीक है, सो इट इज़ वॉट, इट इज़ गोइंग टू बी 1.2। फाइन, अब देखो आगे चलते हैं। सो अब सी यू के लिए करते हैं, है ना, फर्मी, ये फर्मी में दिया था। ठीक है, अब हम करते हैं सी यू। सो आर नॉट, तो अब हमारे पास आर नॉट की वैल्यू तो है, सो लेट्स प्लग दैट वैल्यू, यहाँ से उठाकर यहाँ रख देते हैं। सो 1.2 फर्मी इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8 × 4, 4.8 F। तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और अब हम इसे करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर फोर्थ क्वेश्चन राइट नाउ। तो इस क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर्स इन द रेशो 1/3। ठीक है, तो ये हमें दिया है a1/a2 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, मास जो होता है ना वो मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। सो यू कैन राइट लाइक दिस m1/m2 लाइक दिस। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो जो हमसे क्या बोला है, रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज। तो जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ρ1/ρ2 कितना हो जाएगा, m1/v1/m2/v2 m1/m2 v2/v1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया और हमारा
अब हमको ये निकालना है ना। तो बेसिकली वॉल्यूम की बात हो रही है। सो वॉल्यूम का क्या करोगे आप? ठीक है, 4/3 πr³। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, सो इट इज़ नाउ गोइंग टू बी 1/3 इंटू r² / r³। ठीक है, सो इट इज नाउ गोइंग टू बी 1/3 इंटू सो r0a 1/3, r0 a 2/a 1। ठीक है, अपन को अब क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू प्लग कर देनी है। 1/3 इंटू a 2/a 1 जो है वो हमारा हो गया है 3/1, दैट इज़ इक्वल टू 1/1। तो बच्चों अपना जो आंसर है वो है 1:1। ठीक है, अब चलो बच्चों आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हम हर टॉपिक के पांच पांच क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और भी करेंगे बाद में, डोंट वरी। ठीक है, अभी पांच पांच क्वेश्चन हर टॉपिक से कर देते हैं, करवा देते हैं आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखना। व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? इस क्वेश्चन से बोला है दैट द न्यूक्लियस हैज द न्यूक्लियर रेडियस दिस मच, व्हाट वुड बी इट्स रेडियस? यार ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया है पहले के ही जैसे, इसमें तो कुछ नया नहीं दिख रहा है मुझे। देखो सॉल्व करके बता देता हूँ, बहुत इजी है। तो रेडियस ऑफ ए एल इक्वल टू हो जाएगा r0 27 1/3। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, 5 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, रेडियस निकालना है ना अप्रॉक्सीमेटली, तो निकाल देते हैं। ठीक है, डोंट वरी। ये हमें ना इसका जो रेडियस दिया था वो दिया था 3.6 समथिंग। ठीक है, इसका यार ऐसा क्यों लग रहा है कि काफ़ी सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो मैं यहाँ से आर नॉट की जो वैल्यू है वो निकाल लेता हूँ। सो आर नॉट इज़ गोइंग टू बी 3.6/3×5। ठीक है, सो 1.2×5, तो ये हो जाएगा 6.0। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर फॉर मी। ठीक है, तो ये हमारा जो है राइट आंसर है। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, है ना। अब देखो हमारे पास कितने सारे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या है, मैं पांच पांच क्वेश्चन हर एक टॉपिक से करा दूंगा आपको, जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कंपोजिशन और साइज ऑफ न्यूक्लियस में करा दिया। अब नेक्स्ट हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में मास, एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्शन पर। उसके बाद एक और वीडियो हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी का, और आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स जो है बेसिक लेवल की खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।